अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। बस इस टाइम मैंने कहा जाके छत पे को व्लॉग बना लूँ, क्योंकि सारी शेप्स जो है ना वो सारी वेट हैं, तो इस वजह से ड्राई भी नहीं है। मौसम जो है ना काफ़ी चेंज हो गया, तो मैंने कहा आज ना एक व्लॉग बना लेते हैं। और बना नहीं सकती, ये ना वाइट मैंने बनाया है, जो स्लैब्स छोटी छोटी बनाई हैं वो वाली भी वो, और ये जो है ना प्योर एशिज हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने ग्रिटी डाला है स्टोन, और वो वाले भी सारे जो है ना वेट हैं। कोई ऐसी शेप नहीं है जिनकी मैं क्रमलिंग करूं और वीडियो बनाऊंगी, तो काफ़ी मैं परेशान हुई। मैंने कहा क्या करूं अब, फिर मैंने कहा व्लॉग बना लेते हैं व्लॉग। चलो आप लोग भी क्रमलिंग को लेके खुश हो जाएंगे। ये देखें कितना साफ सा, ये फुल ड्राई नहीं है, लेकिन यह है कि अब रास्ते में पड़ी हुई हैं शेप्स वाइट, तो ये ना हो कि उस पे पड़ जाए, इसलिए मैं ना ज़रा एहतियात कर रही हूँ। ये देखें असल में मैं नहीं कर रही इस वजह से कि ये वाइट जो बनाई है ना इस पे ये ना चला जाए ना इसकी डर्ट, तो इस वजह से मैं ये भी सारी शेप्स जो है ना गीली हैं। ये है कि मैं आप लोगों के लिए ना एक दो क्रम्बल करती हूँ, देखती हूँ क्या सिचुएशन है इसकी। ये देखें वेट हैं, ये भी शेप्स पड़ी हुई हैं। इसको भी मैंने सेट किया हुआ था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फुल ड्राई नहीं है। ये सारी जो बिग शेप है ना ये अंदर से वेट हैं। ये देखें ये तो हैं सब, ये ड्राई हैं। वीडियो तो चांस कम है वीडियो बनाने के, क्यों सारी आधी आधी शेप्स जो है ना वो हैं ड्राई, और आधी जो है ना वो आधी वेट है। ये देख बैकग्राउंड नॉइजेज हैं जो उनको आप लोगों ने अवॉइड करना है, और बस मेरी जो क्रमलिंग है उसकी तरफ ही ध्यान देना है। तो बस एज यूजुअल बाबा जी जो है ना अपनी आवाज़ों के साथ उसी टाइम ही आ जाते हैं जिस टाइम मैं बनाती हूँ व्लॉग। ये देखें ये वाह, देखें कितना सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा वेट है ये भी। ये देख सारी टेक्सचर जो है ना सबकी मैं थोड़ी थोड़ी क्रमली, और इसका ये जो शेप्स हैं ये ड्राई हैं, और ये जो शेप्स हैं इसके साथ की ये वेट हैं। इस वजह से मैं इनको ना
नहीं इसको नहीं छेड़ रहे, फिर ये है कि कम हो जाएगा ना वीडियो का, तो वो उधर चलते हैं। रिक्वेस्ट थी कि आपने वाटर क्रमलिन भी करनी है व्लॉग में, तो ये आप लोगों के लिए येलो। हाँ जी ये प्रीटी स्मार के लिए, और बानो परवीन है शायद, और समरीन नसरीन, समरीन नसरीन आपके लिए स्पेशल व्लॉग में, आपने कहा था कि मेरे लिए आपने क्रमलिंग करनी है यहाँ से, तो ये समरीन नसीम के लिए। ये मेरा बहुत पसंदीदा सा टेक्सचर है ये, इस ये कम हो गया है इसके साथ ही, कुछ ये जो शेप्स बनाई हैं और कुछ ये है, लेकिन ये कि इसकी वीडियो नहीं बन सकती, ये व्लॉग के लिए रखा हुआ है। ये रेड डर्ट, सॉफ्ट रेड डर्ट है ये, इसको भी ना ये छोटा सा चंक से काट लेते हैं, इसके साथ ही ये शेप्स बनाई हैं, जब ये ड्राई होंगी तो ये फिर वीडियो बनेगी। ये देखिए अंदर से ये भी बैठा है, बस माजरत के साथ के ड्राई जो टेक्सचर है ना वो कम है और वेट ज़्यादा है, इसलिए मैं ना नहीं कर सकती ना उनको, उनको अब थोड़ी रेस्ट होगी, ड्राई होंगे तो फिर मैं सारे वीडियोस शूट करूँगी और आप लोगों के लिए स्पेशली व्लॉग बनाऊँगी फुल क्रमलिंग के साथ। बस असल में चीज़ों ये जगह थोड़ी होने की वजह से ना कवर करने के लिए ना चीज़ों को वाइट इलादा और ब्लैक इलादा ये ऐसे वैसे ना, फिर चीज़ों में एक जैसे ना कलर हो जाते ना गट्ठे, तो फिर उससे ना जो टेक्सचर है ना उनके कलर चेंज होते हैं। मेरा सांस फूला हुआ, मेरी आँख भी कम हुई हुई है, इस वजह से मुझे ना थोड़ा काम में मसला बना रहा है, तो अभी इंशाल्लाह मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, तो आप लोगों ने मेरे लिए ना कोई, आप लोग बताएं मैं क्या खाऊँ क्या करूँ, किससे मेरी एच बी बराबर होगी, तो इंशाल्लाह इस वजह से ही मैं ना ज़रा काम में अभी थोड़ा सा मेरा बना हुआ है मसला, तो काम नहीं कर रही इतना ज़्यादा, शायद ये काम करने की वजह धूल मिट्टी की वजह से हो जाता है, समझ नहीं आती ना मेरा एच बी काम हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर जब चीज़ें ड्राई होंगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाऊँगी और क्रमलिंग भी करूँगी। तो अब आप लोगों ने बताना है कि मैं क्या करूं क्या खाऊं, हिना खुर्शीद आपने बताना है कि मैं क्या खाऊं कि मेरा ना एच बी जो है ना ठीक हो जाए, मेरा हाल है मेरा तकरीबन 9.8 हुआ हुआ है, क्यों अभी मैंने चेक नहीं करवाया, पिछले दिनों करवाया था 9 था, अभी मेरा और कम हुआ हुआ है, तो इस वजह से ना मैं काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब हुई हूँ, तो बस ये है कि मेरा सांस फूल जाता है इस वजह से, मैं फिर अब इन दिनों में व्लॉग नहीं बना रही ना इतना ज़्यादा।
तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे जल्दी जल्दी से दे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।